everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. अभी हम लोग ने HPC स्टार्ट किया था. क्लास फर्स्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा था कि कितना हम लोग डिस्कस करेंगे HPC में. सारे यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था. तो आज हमारी क्लास सेकेंड है HPC की. मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, दैट इज डिनोटेड बाय HPC. अब डिस्कस करेंगे उसका पहला टॉपिक जो है, दैट इज ओवरव्यू ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. ओवरव्यू ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम इसके फर्दर टॉपिक्स को भी डिस्कस करके इसको कंप्लीट करेंगे. स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. द टर्म ग्रिड इज रिफरिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जो ग्रिड टर्म है वो कैसे रिफर करता है कि वो जो ग्रिड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिनोट करता है. एबल टू प्रोवाइड रिसोर्स बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ ईच क्लाइंट. वो प्रोवाइड करता है रिसोर्स को जिसके एक एक अलग अलग क्लाइंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है. ग्रिड टेक्नोलॉजी कैन लार्जली इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशेंसी ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. जो आपका ग्रिड का टेक्नोलॉजी होता है वो पूरा एनहांस करता है एक ह्यूज अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को, जो कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की होती है. देन विच मस्ट फेस द चैलेंजेस बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस. जो हमें चैलेंज करता है कि हम ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस को या रिसोर्स बाय शेयरिंग देयर नेटवर्किंग, उसको नेटवर्क को शेयर करने के बाद भी अगर हम रिसोर्स को शेयर करते हैं अपने या कोलैबोरेशन करते हैं तो सारी चीज़ों को हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग देखता है. उसके बाद आते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में. तो ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स. ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिसमें सेट ऑफ टेक्निक्स है, टेक्निक्स बहुत सारी इसमें मिला के, एंड द मैथड जो इसमें है टेक्निक के साथ साथ, फॉर द कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मल्टीपल सर्वर्स. हमारे कोऑर्डिनेटेड यूज़ होते हैं सारे मल्टीपल सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, हर एक क्लाइंट की हमें रिक्वायरमेंट को पूरी करनी पड़ती है. दीज सर्वर्स आर स्पेशलाइज्ड एंड वर्क्स एज सिंगल एंड लॉजिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम. लॉजिकल और प्लस एज वेल, ये एक सिंगल होता है और लॉजिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम पर वर्क करता है. द ग्रिड हैज़ डेवलप्ड एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. ग्रिड जो है वो अपना कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है. दैट कनेक्ट मशीन, जो मशीन और रिसोर्स को कनेक्ट करता है ज्योग्राफिकल डिस्पर्स्ड में, इन ऑर्डर टू क्रिएट एज वर्चुअल सुपर कंप्यूटर. इसलिए क्योंकि हमें एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर क्रिएट करना होता है, इस वजह से हमारे रिसोर्स को मशीन से कनेक्ट करता है. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले की बात अगर बताएं तो ग्रिड कंप्यूटर इज डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी. ग्रिड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी दैट अलाउज स्ट्रेंथ बनाता था, जो अलाउ करता था, स्ट्रेंथनिंग करता था, एसेसिंग करता था एंड मैनेजिंग IT रिसोर्सेज, और IT रिसोर्स को मैनेज भी करता था ग्रिड कंप्यूटिंग. जो पहले के टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था तब की मैं बात बता रही हूँ. इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, बीइंग एन एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड ही टेक्नोलॉजी, पहले डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी को ही एडवांस कर दिया है तो ये ग्रिड आपका कंप्यूटिंग बन गया है. ग्रिड कंप्यूटिंग ब्रिंग्स इनटू अ सिंगल सिस्टम. वो एक सिंगल सिस्टम में बन गया है ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी का. दैट सर्वर्स डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, जो सर्वर्स डेटाबेस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस करता है ग्रिड कंप्यूटिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इनहांस पार्ट है जो लार्जली एसोसिएट करता है पूरे कंप्यूटर्स को. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.